ये सिर्फ श्रीनगर में महदूद नहीं रहेगी, ये चेंज रियासत में तब्दीली आ गई है। वो जो लोग जो ट्रेडिशनल एक्सप्लॉइटर थे, जिनने मेन स्ट्रीम को एक टेरिटोरियल एसेट बना के रखा था, ये मैसेज उनके लिए है, ये आवाम के लिए मैसेज है कि तब्दीली, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज हैज कम टू श्रीनगर। और जो लोग ये आज तक इन डिल्यूजन्स में थे कि उनके बगैर यहाँ पे चेंज डिलीवर नहीं होगी, एम्पावरमेंट लोगों की होगी, आज लोगों की एम्पावरमेंट हो चुकी है। तो फर्दर सर आप क्या करेंगे, श्रीनगर सिटी के लिए क्या प्लान्स हैं डेवलपमेंट के? श्रीनगर सिटी के लिए डेवलपमेंटल प्लान्स हैं हमारे। हमने ये इलेक्शन देखा कि इस इलेक्शन में किन हालातों में इलेक्शन लड़ा गया, फिर अनफॉर्चुनेटली एक इस सिस्टम को भी पल्यूट किया गया, ऐसे लोग निकले इस सिस्टम पे दब्बा लगाने के लिए पोस्ट इलेक्शन भी, जो नहीं लगना चाहिए था। खैर, वो दैट इज अ बायगॉन। अब हमारी डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स है श्रीनगर की, एक सोसाइटल लेवल पे हमें श्रीनगर को वो कंट्रीब्यूट करना है श्रीनगर के लिए, जो आज तक नहीं हुआ। श्रीनगर को हमें एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सिटी बनाना है, हमें यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस भी नज़र में रखना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल नीड्स भी नज़र में रखनी है। और सबसे अहम एक डिग्निटी ऑफ कॉमन सिटीजन बढ़ानी है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाना है। और वो मैं पूरी कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स को लेके, चाहे वो मेरे साथ हों या मेरे खिलाफ हों, आज के वोट के बाद मैं सब कॉरपोरेटर्स के साथ काम करूंगा और लोगों का इंशाल्लाह काम करूंगा, और इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो श्रीनगर में तब्दीली लाएगी। जुनैद साहब, गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज है, जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा या जिन्होंने हारा या जहां पार्टी से आप निकले, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, उनने इलेक्शन लड़ा, लेकिन आधा लड़ा प्रॉक्सीज के थ्रू। फिर जब इलेक्शन कंक्लूड हुआ तो उनके टॉप मोस्ट लीडर इंक्लूडिंग टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स मेयरल इलेक्शन में ये थे, कल लेजिस्लेटर्स भी बैठे हुए थे एक जगह। तो अगर इलेक्शन बायकॉट है तो मेयरल इलेक्शन बायकॉट क्यों नहीं? ये लोगों के सामने बात है, ये डिस्क्रेडिट हो गए हैं, कंप्लीटली एक्सपोज हो गए हैं। वो इलेक्शन हराम है लेकिन मेयरल इलेक्शन हलाल है। उस इलेक्शन में आप बोलते हैं क्रिमिनल उठे हैं, फ्रिंज एलिमेंट उठे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके प्रॉक्सी मेयरल इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। अब ये वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आएगी, ऐलान होगा, इन लोगों को भी भरोसा होगा कि हमने अपनी बुनियाद पर यह इलेक्शन लड़ा है और शानदार तरीके से जीता भी है। जुनैद साहब, गवर्नर साहब ने कबल वक्त आपका नाम लेकर कहा था कि नेक्स्ट मेयर जो होगा वो जुनैद ही होगा, आप किस तरह से देखते हैं जो परसेप्शन मार्केट में आया, काफी उससे पॉलिटिकल रिएक्शन दिया? देखिए, हमने परसेप्शन की बुनियाद पे नहीं जीता है, बहुत मेहनत करके जीता है। आपको शायद लगे कि हमने परसेप्शन की बुनियाद पे जीता है, क्योंकि मीडिया अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन की दुनिया में ज्यादा रहती है। हमने अपना खून पसीना एक करके ये इलेक्शन लड़ा है, ईमानदारी और दयानतदारी से लड़ा है। अब कोई, गवर्नर साहब ने एक रिमार्क दिया, मे बी दैट इज वॉट ही थॉट विल हैपन, उनके ग्राउंड इनपुट से इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, लेकिन हमने ये इलेक्शन पूरी ईमानदारी से, नेक नीति से लड़ा है। अब अगर इन्हीं गवर्नर साहब ने किसी दिन बोल दिया कि मुझे लगता है जी मैडम जी चीफ मिनिस्टर बनेगी या प्रिंस साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बोल के देखे गवर्नर कितना अच्छा है दिल्ली से, तो अब गवर्नर साहब ने आज गलती कर दी, दो डायनेस्टीज के बाहर किसी का बोल दिया कि शायद ये इलेक्शन जीतेंगे तो उंगलियां उठने लग गई। प्रोटेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, जो लोग आए थे इलेक्शन लड़े, चूंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, आई विल बी मीटिंग द ऑनरेबल गवर्नर एंड रिक्वेस्टिंग दैट सिक्योरिटी इज कैटेगराइजेशन इज प्रोवाइडेड टू एवरी कॉर्पोरेटर एज वेल एज सिक्योरिटी कवर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इज गिवन टू एवरी कैंडिडेट इवन इफ ही हैज लॉस्ट द इलेक्शंस। जुनैद साहब, पहले तो आप बीजेपी के खिलाफ थे, आज तो उनके साथ साथ चल रहे हैं, क्या कहना है? मैं बीजेपी के खिलाफ होने वाला कोई इंसान नहीं होता हूं। अगर आप बीजेपी के जो कॉर्पोरेटर यहां चुन के आए हैं, अगर आपका ये हक है यहां पे ये सवाल पूछने का, उनका जीतने का हक है, वो कॉर्पोरेशन के हिस्से हैं। ये जो होलियर देन दाउ मॉरल एक नरेटिव बना है, उमर अब्दुल्ला साहब उनके साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं और महबूबा जी कल तक उनकी थाली में खाना खा रही थी,
तो ये सवाल पहले आप उनसे पूछे, जब ये वो सवाल का जवाब देंगे कि आज वो कौन सा ये मॉरल नैरेटिव बोल रहे हैं, उसके बाद ये छोटा अदना सा जुनैद मतलूबी से सिस्टम है, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है श्रीनगर में, तो इस पर किस तरह की आपकी जो देखिए, आई हैव जस्ट टेकन ओवर, वी विल हैव मीटिंग्स, आई विल टेक द इनपुट्स फ्रॉम ऑनरेबल कमिश्नर साहब, वी विल सिट, वी विल सी व्हाट द चैलेंज, इमीडिएट चैलेंजेस आर, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी नीड टू चेंज. ये इंपल्सिवली मैं आपको एक रेटरिक बोलूंगा कि देखिए जी हमें ये भी, बट जब तक एक ग्राउंड सिचुएशन असेस ना करे, एक टीम ना बने, तब तक मैं स्पेसिफिकली आपको सोल्यूशंस नहीं बता सकता, लेकिन वी आर कमिटेड टू सॉल्व एवरी सिंगल प्रॉब्लम दैट द सिटी ऑफ श्रीनगर इज फेस्ड. एक आखिरी सवाल होगा जुनैद साहब, चूंकि आप इलेक्टेड मेयर हैं, बीजेपी का चूंकि जो कश्मीर में इस वक्त हालात बन रहे हैं, आपका क्या रोल रहेगा कि हालात जो है बेहतर आए, वापसी आए, क्योंकि बीजेपी जम्मू से और अब तकरीबन कश्मीर से भी पांव जमा रहा है, आपका क्या मैसेज होगा खासकर यूनियन गवर्नमेंट से? देखिए, बीजेपी पांव जम्मू में जमा रहा है, श्रीनगर में जमा रहा है, वो तो वोटर का राइट है. यूनियन गवर्नमेंट से आप डायलॉग की बात करें या फिर पीस की बात करें, ये कॉरपोरेशन, इसके डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं. वी आर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट. ये सवाल आप मेरी बात सुनिए, ये सवाल आप पूछिए, यहाँ बहुत ठेकेदार बैठे हुए हैं डायलॉग के, उनसे पूछिए. वी आर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ श्रीनगर सिटी. थैंक यू.